द्रौपदी मुर्मू यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंची तो यूपी की सियासी तस्वीर ही बदल गई और इसके साथ ही सपा गठबंधन के टूटने के संकेत भी मिल गए। एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन राजा भैया के दोनों विधायक करेंगे। उन्होंने कहा है कि एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन देना वक्त के हिसाब से जरूरी है। रात्रि भोज में बसपा विधायक उमाशंकर भी शामिल हुए हैं। चुनाव प्रचार करने यशवंत सिन्हा जब लखनऊ आए तो उनसे मिलवाने के लिए अखिलेश यादव ने ना तो ओम प्रकाश राजभर को बुलाया और ना ही शिवपाल यादव को। बस खेल यहीं से शुरू हो गया। अखिलेश यादव की तरफ से तलाक कहने का इंतजार कर रहे राजभर सीएम योगी की डिनर पार्टी में चले गए और द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इस पार्टी में शिवपाल यादव भी शामिल हुए और उन्होंने भी एनडीए के पक्ष में मतदान करने की बात कही। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के लिए सीएम योगी ने विधायकों और सांसदों को डिनर पर बुलाया था। इससे पहले लोकभवन में बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक हुई। योगी ने ये डिनर पार्टी अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पर रखी थी। दो दिन पहले विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी लखनऊ आए थे। तब अखिलेश यादव ने राजभर और शिवपाल यादव को बैठक में शामिल होने को नहीं बुलाया था। उससे पहले अखिलेश ने राजभर के एसी से बाहर निकलने की सलाह पर प्रतिक्रिया दी थी। अखिलेश ने साफ कह दिया था कि सपा को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। माना जा रहा है कि इसी बात से राजभर नाराज चल रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो मांगेगा उसे वोट दूंगा। ना तो समाजवादी पार्टी ने मुझे फोन किया, ना ही मेरा वोट मांगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल मुझे आमंत्रित किया, जहां मैंने एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें वोट देने का फैसला किया। सपा कार्यालय में राष्ट्रपति चुनाव की बैठक में ना बुलाए जाने पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मुझे ना फोन किया ना बैठक में बुलाया। शिवपाल यादव को भी नहीं बुलाया गया। हम 6 लोग बैठकर इंतजार करते रहे। हम गठबंधन का धर्म निभाना चाहते हैं। राजभर ने कहा कि अखिलेश जी से पूछिए क्यों नहीं बुलाया, राष्ट्रपति चुनाव में वोट के लिए बात करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि 12 जुलाई को प्रेसवार्ता कर फैसला बताएंगे। मेरी शिवपाल से भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि बुलाया नहीं तो मैं क्यों जाऊं। उन्होंने कहा कि जहां से निमंत्रण होगा वहां जाएंगे। राजभर ने कहा कि आजमगढ़ चुनाव में सुभाषपा का कमांडर मौके पर था, सपा का कमांडर गायब था, एसी में आनंद ले रहा था। यूपी विधानसभा में राजभर की पार्टी के 6 विधायक हैं। उन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव सपा के साथ गठबंधन में लड़ा था। यूपी में बसपा का 1 विधायक है, जबकि राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक हैं। इसके अलावा शिवपाल यादव भी एनडीए के समर्थन में आ सकते हैं। मायावती ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वे एनडीए की उम्मीदवार का समर्थन करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।